ग्रूमिंग hey वर्ल्ड वैसे तो मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लिया है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल जो पेन है वो ए एस का ही है और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब आप डाइट फॉलो नहीं करते हो और आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं ट्रीट करते हो जैसे करनी चाहिए तो पेन वापस आ सकता है बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि यू you नो know, वो स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना कि आप सिर्फ यू you नो know, पम्पकिन और लौकी घिया और उसी पे आप टिके हुए हो जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं चीजें तो ए के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम नहीं रख पाते एनर्जी जो होती है वो इतनी आपके अंदर बन नहीं पाती ऐसा मेरा मानना है तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का इंटेक आप जैसा जानते ही हैं और जब आप प्रोटीन नहीं लेते तो मसल जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं होती आपकी मसल साइज आपका गेन नहीं हो सकता अगर आप अच्छा प्रोटीन नहीं लेते और वो प्रोटीन डाइजेस्ट भी होना चाहिए बीच में कॉल आ गई थी तो बात में यह धूरी रह गई डॉक्टर्स मना करते हैं कि वे प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए वे प्रोटीन अगर आप लोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता पॉसिबल है अब बाबा रामदेव का भी प्रोटीन आता है डॉक्टर्स के लिए मना नहीं करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर है। और कोई भी डॉक्टर है आप मना करते हैं प्रोटीन्स के लिए क्योंकि नकली बहुत ज्यादा है अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकती है तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए और अगर आपकी बॉडी नहीं कर सकती तो आपको नहीं लेना चाहिए और ये पता चलना कि डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी बड़ा मुश्किल होता है ये आप कैसे पता कर सकते हो अगर आपको ब्लोट फील हो रहा है आपको ब्लोटिंग लग रही है तो इसका मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा और अगर आपका यू नो ईजिली सबको स्टूल अच्छे से पास हो रहा है बहुत पेट हल्का है लाइट आप फील कर रहे हो तो इसका मतलब आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो और मेरे हिसाब से वर्कआउट के बाद ही ले, ले लेना चाहिए प्रोटीन जिससे कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए वो बॉडी में तो मेरी कंडीशन अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन आ गया था राइट साइड में भी पेन था चार पाँच साल पहले वाला ही जो पेन था वैसा सा ये कुछ मुझे लग रहा था फैला हुआ पेन था चलने में मेरे को दिक्कत हो रही थी तो मैंने दवाइयाँ कुछ ली हैं वो जो जो फेस है वो थोड़ा सा ब्लोटेड लग रहा होगा आपको मैं टेंशन में लग रहा हूँ और मैं टेंशन में थोड़ा हूँ भी क्योंकि जब आपको पेन आता है तो स्ट्रेस होता है आपको बहुत ज़्यादा और आपको आपकी लाइफ जो होती है वो बहुत रुक जाती है ऐसा लगता है जैसे कि यू नो कोई काम करने का मन नहीं करता तो मेन रीज़न क्या है वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं कि मैं अब जा रहा हूँ जिम मेरा जिम जाने का रीज़न ये है कि मैंने मेडिसिन ले ली थी और मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने मेरे को पहले बोला था कि अगर आपको पेन भी हो रहा है तो आपको जिम जाना चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करके भी इन्फ्लेमेशन आपकी बढ़ जाती है तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम में चेक करने के लिए मैंने दवाई ले ली थी अब पेन मेरे को इतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज करके देखना चाहता हूँ एक तो मेरे से रहा नहीं जाता मैं एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ मुझे बहुत ज्यादा एंगजाइटी होती है क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के भी ड्रीम्स हैं आप लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हो और ए एस की वजह से जब हमें ब्रेक लगता है तो कितना ज्यादा परेशानी होती है और मुझे पाकिस्तान से भी मैसेजेस कल परसों आए हुए थे दो तीन लोगों के फिर मैंने उसमें से एक बंदे से बात करी थी अब मैं हेल्प नहीं कर सकता सबकी मैं सर बता सकता हूँ कि कहाँ क्या है तो उनको लगा कि वो पाकिस्तान से तो मैं हेल्प नहीं करूँगा ऐसा मेरा कोई इंटेंशन इस चैनल पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन को लेके कोई ऐसी बात है दिल में या कोई ऐसी बात है तो आप ये मत सोचा करो कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया यार ऐसा होता है कि रिप्लाई सबको नहीं दे पाता मैं कभी कभी मैसेजेस दिखते नहीं है और कभी कभी यू you नो know, खुद की हेल्थ ऐसी हो रही होती है जैसे अभी इसी, इस अभी जिस जो कंडीशन में आ रही है उसमें तो मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब खुद की हेल्थ सही होती है तभी आप अच्छे से किसी को समझा पाते हो बात और एस को समझने में ही बहुत टाइम लगता है मुझे आप लोग फॉलो भी इसलिए करते हो क्योंकि क्योर क्यों वर्ड मैंने यूज़ किया था क्योर होता है अगर आप उसको बिल्कुल फॉलो करते हो फॉलो करना बहुत मुश्किल है बहुत कम लोग हैं जो यू you नो know, बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनके कुछ सिम्टम ही नहीं है दस दस बारह बारह साल हो गए हैं तो उस केस में लोग कह देते हैं कि वो रिमिशन में लेकिन ऐसा नहीं है रिमिशन भी होता है लेकिन लोग जब अच्छे से बिल्कुल कर लेते हैं तो मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं आई ईट अ लॉट आई एम अ बिग टाइम फूडी तो मैं पंचकर्म करा लेता हूँ तो उसके सा, दो साल डेढ़ साल तक कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन फिर हल्का हल्का जब डाइट आपकी यू you नो know, प्रॉपर नहीं होती तो फिर वो पेन हल्का हल्का लगता है मेरे को जाना पड़ेगा मैंने बीच में डेट ली थी पंचकर्म कराने के लिए मार्च में लेकिन मैं जा नहीं पाया अब मैं दोबारा से अब कोशिश करूंगा जाने का क्योंकि टाइम हरिद्वार जाना आना और वहाँ रहना तो बड़ा मुश्किल है तो वहां की भी ब्लॉग पक्का बनाऊंगा क्योंकि रेट वहाँ के बहुत ज्यादा हो गए हैं और लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि इंजेक्शन जो है वो अगर हम लेते हैं तो क्या हो सकता है देखो आप इंजेक्शन मैं मना नहीं करता इंजेक्शन के लिए कोई भी चीज़ आप ले सकते हो आयुर्वेदिक जो होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता इंजेक्शन मेरे को कहीं कही ना कहीं लगता है कि शायद लॉन्ग टर्म में दिक्कत कर सकता है लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जिन लोगों को इंजेक्शन लेना है एलोपैथी लेना है कुछ भी होम्योपैथिक लेना है आप लेके देखो अगर आपको लगता है कि भाई वो सूट कर रहा है आयुर्वेदिक से बेटर और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो चैनल के नीचे कॉमेंट करके बताओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाओ मैंने मेरे लिए वर्क किया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ने दो अब आप देखो इंस्टा पे देखोगे मैं क्या क्या एक्सरसाइज कर पाता हूँ सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती और एएस हुए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है मतलब बहुत टाइम हो गया अब तो मैं ये सब चीज़ें याद भी नहीं करता लगता ही नहीं है कि कुछ है लेकिन जब पेन आ जाता है ना तो लगता है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत है और परेशानी हो सकती है लेकिन मैंने अपने आप को उससे डीमोटिवेट नहीं किया है अभी मेरे पेन है लेकिन हो सकता है कल मैं बिल्कुल ठीक हूँ कल मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो फिर दोबारा से मैं वीडियोस बनाऊँ अपने अच्छे से तो ये मैं अभी वीडियो शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाको समझाना चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं और ठीक होने के बाद भी अगर वापस आता है, तो इसका मतलब ये नहीं बैठ जाए अब मैंने अपना थोड़ा प्री वर्कआउट लिया है अब मैं दोबारा जिम जा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज करूँगा और फिट मुझे पता है मैं हो जाऊंगा लेकिन अब मुझे पता है कि स्ट्रेस होता है परेशानी होती है दिमाग में तो जितने भी एज वॉरियर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम एज वॉरियर्स ही देखेंगे इस वीडियो को तो आप लोग को स्ट्रॉन्ग रहना है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों के पैर भी नहीं होते वो भी एक्सरसाइज करते हैं जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते वो भी जिम जाते हैं आप देखोगे बाहर के लोगों को कितना ज़्यादा यू नो उनके अंदर जज्बा होता है कर, चीज़ों को करने का तो आप डिमोटिवेट मत हो मेरी वीडियो को देख के हो सकता है बहुत सारे लोगों लगे यार क्या भाई को क्या हो गया क्योंकि आप लोग प्यार इतना करते हो तो मैं दोबारा से ठीक हो जाऊंगा और दोबारा से मैं एक्सरसाइज अपनी दोबारा से करूँगा और मुझे पता है ज़्यादा दिन का ये नहीं है ये अपना एक प्रोसेस है एक चीज़ है एक दिक्कत है हम सभी लोगों को और वो ठीक होती है तो ऐसा नहीं है कि यू you नो know, कि मैं अब मुझे लोग कहते हैं हम मर जाएंगे या वो कर लेंगे वो कर लेंगे मुझे पता है बहुत स्ट्रेस होता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते तो हमें सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है तो चलो फिर मैं जिम जाऊंगा एक्सरसाइज करूंगा अपना वीडियोस में डालता रहता हूं आप देखा करो और ज़्यादातर वीडियो उन्हीं के लिए होती है जिनके बैक में प्रॉब्लम है नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं लेकिन ये वीडियोस तो उनके लिए भी है जो फ्यूचर में अब आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डलाइटस और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो वर्कआउट उस तरीके से करो कि आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक तो कर सको अगर आप कंपीट करते हो या कोई बड़े लेवल का है तो भैया वो गेम अलग है और वो पूरा का पूरा उसकी ट्रेनिंग अलग है मैं उन लोगों को भी बताता हूँ चीज़ें लेकिन स्पेसिफिकली मेरे जो वर्कआउट हैं डिजाइन मैंने उस हिसाब से कर रखे हैं कि इसे कोई भी कर ले और जो रिकवरी प्रोसेस में वो भी कर ले और बाकी लोग भी कर लें तो चलो अगर कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता देना मैं हंड्रेड परसेंट जवाब देता हूं जब भी मैं फ्री होता हूँ और आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो मुझे फॉलो भी कर सकते हो और बहुत जल्द शायद मैं एनक्लोजिंग स्पॉन्ट लेटेस्ट के लिए भी एक इंस्टाग्राम पर अलग से पेज बनाऊंगा वहां जाके आप फॉलो करना वहां जाके देखना सारी चीजों को तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस चैनल पर मिक्स कॉन्टेंट है लाइफ भी है ग्रूमिंग भी है और मेरा पैशन है वो सारी चीजें तो मैं वो डालता रहता हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पर हम एक पेज बनाएंगे ए एस वॉरियर्स के लिए वहाँ मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ए एस की बातें क्या करूंगा सारी चीजें आपको बताऊंगा और लोगों को मैं जोड़ूंगा भी कि और लोग जो जर्नी जिन लोगों की क्या रही है वो लोग वहाँ बताएं आए और इस चैनल पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दो चार लोगों से बात करें अब जैसे वो उन्हें टाइम मिलेगा तो हम उनसे भी बात करेंगे और उन्होंने भी क्योर किया है सब ठीक भी किया है तो उनको भी लेके आएंगे तो इसको समझना चीजों को और खुश रहना और दुआ करना कि सब लोग जितने भी लोग हैं ये इसके लिए सब लोग एक दूसरे के लिए करो सब लोग ठीक रहें खुश रहें तो मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में तब तक स्टे फिट स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड तो जो जो मैंने एक्सरसाइजेस करी हैं जिम जाके वो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा तो प्लीज़ जाके देख लेना जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है और आपको कैसे करनी है